मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आई होप सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और ये व्लॉग देखने में व्यस्त होंगे। तो गाइस चलिए आज चलते हैं खीर भवानी, और खीर भवानी में क्या क्या सुविधाएं हैं, कैसे वहां पे जाएंगे, सबका एक्सप्लोर आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएगा। तो विदाउट इसकी फुल वॉच कीजिए, चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो गाइस ये बहुत ही रोचक और बहुत ही भव्य मंदिर है, तो मैं माता रानी का दर्शन कर लेता हूँ, उसके बाद आपको करा लेता हूँ, तो आप भी कर लीजिएगा और पूजा भी कर लीजिएगा। इस मेरे वीडियो में ही सही कर लीजिएगा। ये छोटे छोटे मासूम बच्चे, ये मेरे बच्चे हैं, क्या करवाने आए? ये आपके बच्चे हैं? हाँ, सारे भी। अच्छा, और भी आएंगे? और भी आएंगे। कहाँ सही तो है, थोड़ा सा ज्यादा देना, मुझे अपना मम्मा को देना। मम्मा के लिए इसको चाहिए। छोटी क्या नाम है? वानी। जा देवी गर्भ रूपे तू मातृ रूपे गंगा, नमः सत्ये नमः सत्ये नमः सत्ये नमो नमः। तो गाइज मैं भी एक बार अपने पूरे फैमिली के साथ यहाँ पे आना चाहता हूँ, तो आप लोगों का सपोर्ट रहा तो वो भी पूरा हो जाएगा। तो गाइज प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, और आपको तो पता ही है कि मैं कब यहाँ पे आऊँगा, ज़्यादा कुछ बोलने की ज़रूरत है नहीं। श्री राम जी जिनके परम भक्त हनुमान जी है, श्री राम जी जिन्होंने रावण का अंत किया था, और ये खीरी भवानी माता रावण को दर्शन दी थी, तो रावण के पाप की वजह से ये दुखी हो गई और ये बोली कि हनुमान जी से कि आप मुझे यहाँ से कश्मीर लेके आओ। तो हनुमान जी ने इनको ये पानी का रूप ली और वो इनको यहाँ पे लाके स्थापित किए, और हनुमान जी का मूर्ति वहाँ पे है। देखिए छोटा सा एक मंदिर बना हुआ है, उसमें हनुमान जी है। तो अभी चलते हैं, हनुमान जी से भी दर्शन कर लेते हैं। और गाइस पानी का जहाँ तक सवाल आता है ना, तो देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो पानी है मात्र 20 फीट गहरा है, और यहाँ पर गाइस आपको तो पता ही है कि कश्मीर बहुत ज़्यादा हाइट पे है, फिर भी यहाँ नीचे से पानी का फ्लो ऊपर आता रहता है। ये मेरे उंगली के सामने आप देख रहे हो, होल जो दिख रहा है वहाँ से पानी उस नहर में जाता है, और उस नहर से बाकी और जगह कहीं भी जाता होगा। तो यहीं गाइस वो राक्षसी है जिसे हनुमान जी ने अपने पाँव तले दबा के मार डाले हैं, तो उसको मुक्ति मिल गया है। ऐसा बात नहीं है कि वो मर गई, उसको मुक्ति मिल गया, कोई श्राप व्राप था इसके ऊपर जिससे इसको मुक्ति मिल गया हनुमान जी के वजह से। वे है महावीर, वीरों का वीर महावीर। कोई भी संकट इंसान के ऊपर आएगा, अगर हनुमान जी का छत्र छाया रहेगा तो कुछ नहीं हो सकता है उस इंसान को। गाइस बहुत सुकून बहुत खुशी मिल रहा है यहाँ पे आके। गाइस यहाँ से जाने को मन ही नहीं कर रहा है, बट क्या करें, जाना पड़ेगा। सब जगह से मैंने दर्शन कर लिया, सभी देवताओं से कर लिया। आप जब भी यहाँ पे आओगे दर्शन करने के लिए, तो सबसे पहले तो गेट पे एंट्री कराना पड़ेगा, और एंट्री में होता क्या है गाइस कि अपना एड्रेस, आधार कार्ड नंबर, मोबाइल नंबर, ये सब लिखवाना पड़ता है वहाँ पे। अगर कहीं पे कोई कंट्रोवर्सी या कुछ हो जाता है या कोई कैजुअलिटी हो जाता है, तो आपके ही सेफ्टी के लिए ये सब चीज़ किया जाता है वहाँ पे। और शूज यहाँ पे रखा जाता है, चप्पल शूज जो भी होगा वो। एक बार चलते हैं गाइस उधर, उधर बहुत सारे शॉप्स हैं, चुनरी जो माता रानी को चढ़ाया जाता है वो सब है वहाँ पे। तो एक बार उधर का वीडियो कर लेते हैं। और ये पानी देखो गाइस, क्लीन पानी है, बिल्कुल क्लीन, देखो ये। अरे भाई उधर से कैसा दिख रहा है, अरे और इधर से देखो, ये जो ब्रिज है कितना डाउन है गाइस, एकदम वो ब्रिज तो पानी के लेवल से 2 फीट ही ऊपर है, और यहाँ पे लगभग 4 फीट होगा ये। यहाँ से ये सारे शॉप्स है, प्रसाद चुनरी जो भी होगा वो, और होटल भी है गाइस इसमें। ये देखो होटल भी है यहाँ पे, देखो ये सब जो होटल है
ये सिर्फ खाने पीने के लिए है, अगर पूजा सामग्री के लिए भी है। पूजा सामग्री के लिए, वही ना मैं बोल रहा हूँ, पूजा सामग्री के लिए और खाने पीने के लिए। हाँ। और अगर कोई यात्री यहाँ पे आते हैं, अगर रात को ठहरना होगा तो कहाँ ठहरेंगे? यहाँ पीछे यात्री भवन है क्या? कहाँ पे? अच्छा वो सामने। क्या पहचानते हो? पहचानते हो मुझे? हाँ मैं किन से बात कर रहा था वहाँ पे? वो पंडित जी कौन है आपके? वो पंडित जी आपके कौन लगते हैं? गुरु। अच्छा, आज के टाइम पे गई YouTube ऐसा प्लेटफॉर्म है कि वहाँ पे आप कहीं भी जाना चाहते हो तो वीडियो देख लो, और वहाँ पे क्या क्या सुविधाएं हैं वो सब आपको YouTube पे देखने को मिल जाता है। तो मैं भी अपने तरफ से आपको यहाँ की जो सुविधाएं हैं वो मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसको क्या पढ़ेंगे गाइस? समाज समिति सुधार ट्रस्ट। तो यहाँ पे रह सकते हैं। तो अभी गाइस मुझे पता नहीं था प्राइवेसी का कुछ मामला है, तो मैं वीडियो करते हुए सीधे एकदम आ रहा था, तो सर लोगों ने मना कर दिया तो मैं छोड़ दिया। तो ऐसा कुछ है यहाँ पे, तो मैंने आपको हर चीज़ यहाँ पे दिखा दिया, हर चीज़ का मैंने आपको एक्सप्लोर करा दिया। तो अभी गाइस इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, एंड चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। मिलते हैं गाइस जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। Jai Daya Meri।